हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यास कुकबुक। आज हम बनाएंगे बीटरूट टमाटो सूप। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम दो लोगों के लिए बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर और एक मीडियम साइज़ का बीटरूट लिया है। इसी के साथ मैंने तीन लहसुन की कली और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। हमें सारी चीज़ों को प्रेशर कुक करना है। इसके लिए मैं प्रेशर कुकर में पानी डाल रही हूँ। मैंने 2 से 3 कप पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। बीटरूट छीलने के बाद ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने बीटरूट और टमाटर के मोटे टुकड़े काट लिए हैं। अब इसे भी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पकाना है। इसके लिए हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी होने तक इसे पकाएंगे। बीटरूट और टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। हमने जो पानी डाला था वो पानी भी हम यूज़ करेंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। अब एक मिक्सर जार में ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें ठंडी होने के बाद ही हम मिक्सर जार में पीसेंगे। मैंने पीस लिया है। अब एक मोटी छलनी लेके हम इसे छान लेंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1/4 टीस्पून देसी घी लिया है। आप चाहे तो जो मार्केट में मिलता है वो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून चीनी। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सूप। काली मिर्च 2 से 3 चुटकी, नमक 1/2 टीस्पून। यहाँ पे एक बोल में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। इसे हम अच्छी तरह से पानी में घुलने तक मिलाएंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इंडक्शन बंद कर देंगे और इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे। हमारा सूप उबल रहा है। अब ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूप है। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।